Good morning, student of standard 6. This is your grammar class. Now today we will study about adjectives. Okay, so all of you take out page number 33. The word that is used to describe a noun, a pronoun or another adjective is called the adjective. Vaisa word जो किसको डिस्क्राइब करता हो, नाउन को, प्रोनाउन को या किसी अन एडजेक्टिव को, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो. अब हम लोग सेंटेंस पे देखते हैं, ठीक है. सी हैज अ बिग हाउस. तो यहाँ पे बिग क्या है? बिग मीन्स बड़ा. ये बिग किसके लिए यूज किया गया? हाउस के बारे में बोल रहा है. क्या बोल रहा है? घर क्या है? बड़ा है, ठीक है. सी हैज अ बिग हाउस. उसका घर कैसा है? बड़ा है, ठीक है. Here big tells us about the size of the house. यहाँ पे big क्या बता रहा है? Size के बारे में, ठीक है. घर का size क्या है? बड़ा है. Sahil asked for two pens. अब देखिए इसके क्या क्या लिखा हुआ है. Here two tells us about the number of pens. यहाँ पे two क्या बोलना चाह रहा है? Pens के बारे में, कि कितना pen है. तो two pens है, तो ये क्या बता रहा है? Number of pens के बारे में, ठीक है. Now next, that girl borrowed my dress. हेयर डैड टेल अस अबाउट दी नाउन गर्ल. यहाँ पे डैड किसके लिए यूज किया गया? गर्ल के बारे में. वो किसी के बारे में बता रहा है, ठीक है. पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब एडजेक्टिव्स को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है. जनरली एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन. हम लोग एडजेक्टिव्स को कहाँ यूज करते हैं? संज्ञा के पहले, ठीक है. बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर नाउन. पर कभी कभी क्या होता है, हम उसको नाउन के बाद भी यूज करते हैं, ठीक है, मतलब संज्ञा के बाद. रीड द सेंटेंसेज गिवन बिलो. रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या बता रहा है? किसी का विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसी के बारे में. मतलब ये क्या है? विशेषण है. रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है. तो लड़के के बारे में क्या बोल रहा है? रोहन कैसा लड़का है? इंटेलिजेंट है, ठीक है. एडजेक्टिव प्लेस बिफोर नाउन. यहाँ जो एडजेक्टिव यूज किया गया है इंटेलिजेंट, वो कहाँ यूज किया गया है? नाउन के पहले, यानी संज्ञा के पहले. और यहाँ पे नाउन क्या है? बॉय. बॉय क्या है यहाँ पे? नाउन है, ठीक है. और इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, विशेषण. नाउ नेक्स्ट, द गर्ल इज इंटेलिजेंट. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. गर्ल क्या है यहाँ पे? नाउन है. इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव प्लेस आफ्टर नाउन. यहाँ पे क्या है? नाउन के बाद यूज किया गया किसको? एडजेक्टिव्स को. द गर्ल इज इंटेलिजेंट, ठीक है. अब इसी से रिलेटेड आप लोग को प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है. फर्स्ट वन, सर्किल द एडजेक्टिव्स एंड अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो. यहाँ पे क्या करना है आप लोग को? एडजेक्टिव्स को सर्किल करना है और अंडरलाइन किसको करना है? नाउन को. सेंटेंस दिया हुआ है, इसको बनाना है, ठीक है. फर्स्ट वन इज, ही इज अ ब्रेव बॉय. अब आप लोग को बताना है इसमें से एडजेक्टिव्स कौन है, नाउन कौन है. जो भी नाउन होगा उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है. और जो एडजेक्टिव्स होगा उसको क्या करना है? सर्कल करना है, ठीक है. नेक्स्ट वन, करण इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है. इसमें ये वही करना है. नेक्स्ट, दैट पेंटिंग इज ब्यूटिफुल. नाउ नेक्स्ट, एप्पल्स आर जूसी. एंड द लास्ट वन इज, द मैन इज फैट. आप लोग को समय उसी वही करना है. एडजेक्टिव को सर्किल करना है और अंडरलाइन करना है किसको? नाउन को. ये आप बुक में कर लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.